अरे वाह, ये क्या हो गया? सामान भरा हुआ है। अरे भाई, अरे भाई, अच्छा भला करा। छो हो, अली की क्लासेट है, मेरा बेडरूम। डोंट गो, आ रहा हूँ। है ये हम बाद में दिखेंगे वीडियो। है किचन। डोंट वरी गाइस, एवरीथिंग इज गोना बी फाइन। डोंट वरी, डोंट क्राई, डोंट क्राई। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कि उसके बाद जो रिस्टोरेशन वाले आए थे उन्होंने कैसा काम किया है और क्या क्या चीज़ें वो करना चाह रहे हैं। अब चलो जी, नीचे चलते हैं। तो मैं नीचे लेके जा रहा हूँ हमारे फ्लोर पे। तो ये देखें, ये हमारे नीचे का फ्लोर है। लेफ्ट पे आप जाते हैं तो ये गैराज है। तो जितना फ्लोर था ना, सारा फ्लड हुआ था। तो इंश्योरेंस वाले आए हैं, ये देख रहे हैं आप, क्योंकि दरवाजे यहाँ सब वो निकाल के लेके चले गए हैं। तो ये उन्होंने प्लास्टिक के कवर लगाए हुए हैं जिससे सारा वो बंद किया हुआ है, कमरे वगैरह। ये देख रहे हैं आप, ये थी जो मेन लोकेशन थी। ये मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से मैं ओपन करूँगा। तो ये देखें, ये है मेन लोकेशन। ये आपको सामान जो बिखरा नजर आ रहा है, क्योंकि ये फ्लोर सारा फ्लड हो गया था, सारा पानी जमा हुआ। देख रहे हैं आप, हुआ हुआ है आपका। तो दरवाजे निकाल के ले गए और जो शीट रॉक थे, और यहाँ उन्होंने यहाँ अमेरिका की न्यूजर्सी में हम लोग रहते हैं, तो जब उन्होंने इंस्पेक्शन की तो उन्होंने चेक किया कि भी मोल्ड जो है वो हर जगह है आपके। वो मोल्ड जो होती है वो पानी और मॉइस्चर की वजह से, आप लकड़ी के घर होते हैं यहाँ पे तो काली काली चीज़ दीवारों पर लग जाती है, काई सी जमा हो जाती है, जो कि आपकी ब्रीथिंग के लिए सही नहीं है। जो है ना, समझ ले के जो पूरे फसाद की जड़ है ना, वो ये कमरा है। ये देख रहे हैं आप, यहाँ लगा हुआ था, इधर लगा हुआ था वाटर हीटर टैंक, जो पूरा नीचे से बर्स्ट हो गया और सारा पानी और ये हुआ रात के टाइम हुआ है, क्योंकि हम लोग सारे सो रहे थे, इस वजह से डैमेजेस जो हुआ है वो बहुत ज्यादा हुआ है। ये है मेन लोकेशन, देख रहे हैं आप, सबसे वर्स जो है ना वो ये जगह। तो ये सारा तो देख रहे हैं, ये हाल हुआ यहाँ पे। तो ये मेन कमरा है। मैं आपको लेकर चलता हूँ, जो पूरा फ्लोर जो है ना वो आप ये देखिए, सारा शीट रॉक जो था ना, कि हर जगह मोल्ड हो गया है, मॉइस्चर आ गया है। ये हमारा लॉन्ड्री रूम है। ये मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, क्योंकि बिफोर एंड आफ्टर जब हम देखेंगे ना तो मजा आएगा। अभी तो सब कुछ बिखरा हुआ है। दिस इज आवर लॉन्ड्री रूम, दिस इज आवर फैमिली रूम। देख रहे हैं आप, सब सामान बिखरा हुआ है, क्योंकि सारा फ्लड हो गया था। ये फैमिली रूम है हमारा, सारा सामान निकला हुआ। ये हमारा बाथरूम है नीचे का, जो ये भी खराब हो गया था सारा। ये बाथरूम की जो दीवार देख रहे हैं ना आप, ये हेलो, तो ये बाथरूम की दीवार के पीछे वही जगह है जहाँ पे हमने वाटर हीटर टैंक लगाया हुआ था, गीजर। तो ये पूरी दीवार, ये बाथरूम, ये शावर वाली जगह है, ये सब टूटेगी, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूँ कि इंश्योरेंस कंपनी करेगी, इंश्योरेंस कंपनी करेगी क्या। उससे पहले मैं आपको दिखा दूं, ये एक और जगह है, ये हमारा किचन, ये अब हमारा है किचन, ये सब नीचे का इलाका, ये देख रहे हैं आप,
एवरीथिंग इज मेस अभी के लिए, किचन है सब कुछ फ्लोर पे पड़ा एवरीथिंग सर। ये ऊपर की आप देख रहे हैं ये सीलिंग, ये सब नहीं बनेगी, मॉइस्चर की वजह से, नमी की वजह से मोल्ड हो गया, जो कि डेंजरस होता है बहुत आपकी सांस के लिए और कॉज करता है बहुत बीमारियों को, बीमारियां क्रिएट होती हैं उससे। तो उसकी वजह से ये सारा तितर बितर हो गया। तो इंश्योरेंस ने बोला है कि वो ये सारा काम अल्हम्दुलिल्लाह अंडर कवर है हमारे इंश्योरेंस के, तो वो ये सारा काम करेंगे, ठीक है ना। तो वो सारा इंश्योरेंस के अंडर कवर है हमारा। नीचे का फ्लोर उन्होंने कहा कि मोल्ड हर जगह पर है। अब जब हर जगह पर है तो वो कह रहे हैं कि वी नीड ऑल एरिया एम्प्टी, ये सारा एरिया हमें खाली करना पड़ेगा। अब भाई ये इतना सामान आप कहाँ लेके जाएंगे, कैसे करेंगे, कहाँ स्टोरेज करेंगे सारा सामान, क्योंकि नीचे का पोर्शन तो खाली करना है सारा, ऊपर हम लेके नहीं जा सकते, ऊपर तो ऑलरेडी सेट हुआ है सब कुछ। तो वो हमें प्रोवाइड करेंगे एक बड़ा सा पॉट कहते हैं उसको, वो मैं आपको दिखाऊंगा जब वो प्रोवाइड करेंगे अपनी वीडियो में, तो वो लेकर आते हैं वो लोग, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा जब वो लेकर आएंगे। उसके अंदर हम अपना सारा सामान निकाल के वहां रख देंगे, तो उस तरह से फिर हमारा एरिया पूरा नीचे का फ्लोर खाली हो जाएगा, और जो चीजें हमने निकालनी है, जो गार्बेज करनी है, जो सेल करनी है, वो हम सेल करेंगे। तो इस तरह से फिर ये सारा काम हम करेंगे। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। अल्लाह हाफिज़।